हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है, मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप इसे अटेंड करना चाहते हैं या इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको हम रिस्पोंड करेंगे। बहुत सारे लोग कि जिनको स्पीच देनी होती है उसमें से कुछ लोग फेल हो जाते हैं, वो लोग स्पीच अच्छे से नहीं दे पाते हैं। उनमें से 90% केसेस के अंदर जो स्पीच के अंदर फेलियर मिलती है उसका कारण ये होता है कि उन लोगों ने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस और रिहर्सल नहीं किया हुआ होता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी स्पीच का रिहर्सल कैसे करना चाहिए। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि जिसमें मैंने बताया था कि स्पीच की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। स्पीच की प्रैक्टिस करना और एक्चुअली स्पीच देना, उसके बीच में का जो पार्ट आता है वो आता है कि स्पीच का रिहर्सल करना। एक स्टेप जो आता है वो स्पीच के रिहर्सल करने का आता है। मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा स्पीच के रिहर्सल के बारे में, उन तीनों चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी स्पीच को अच्छी बना सकते हैं। सबसे पहली टिप, रिहर्स एट द वेन्यू। आप अपनी स्पीच का रिहर्सल वेन्यू के ऊपर जाके कीजिए। आपने प्रैक्टिस जो है वो घर के अंदर कर दी है, फैमिली मेंबर्स के सामने कर दी है, अब एक्चुअली जहां पर स्पीच देनी है वहां पर जाके उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिसे रिहर्सल कहा जाता है। अब रिहर्सल जो है उसका मैं आपको मतलब समझाता हूं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि शादी के कोई फंक्शन होते हैं तो उनके अंदर डांस परफॉर्मेंस होते हैं, सिंगिंग परफॉर्मेंस होते हैं। ये परफॉर्मेंसेस के लिए जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो फंक्शन के एक दिन पहले या दो दिन पहले स्टेज के ऊपर रिहर्सल करते हैं, और उस स्टेज के ऊपर रिहर्सल करने का कारण ये होता है कि वो लोग एक्चुअली जब उनको परफॉर्मेंस देना होता है तो वो लोग अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए। उसी तरह से आपकी स्पीच के लिए भी आपको वेन्यू के ऊपर, जिस जगह पर स्पीच देनी है उस जगह के ऊपर जाके एक बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके सामने ऑडियंस जो है वो कितनी बैठ सकती है, स्टेज जो है वो कितना है, और आप बोलने से पहले ही एक बार प्रैक्टिस के द्वारा बोल चुके होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा वेन्यू के ऊपर जाके रिहर्सल कीजिए। ये सबसे पहली चीज हुई। दूसरी चीज कि रिहर्सल जब आप कर रहे हैं तब आपको ड्रेसिंग, आपकी नोट्स, आपके इक्विपमेंट्स सब कुछ सेम रखना है। अब इसको मैं डिटेल में बताता हूं। आप जो भी कपड़े स्पीच के दिन पहनने वाले हैं, जो भी नोट्स आप अपने साथ लेके जाने वाले हैं, जो भी इक्विपमेंट का यूज करने वाले हैं, जैसे प्रोजेक्टर है या फिर कोई चीज वस्तु जो है उसको आप दिखाकर कोई बात को समझाना चाहते हैं, जिसे प्रॉप्स कहा जाता है, इन सारी चीजों को वही रखिए जो आप स्पीच के दिन रखने वाले हैं। वही कपड़ों को पहन के जाइए, वही नोट्स जो है वो अपनी जेब में रख के जाइए जब स्पीच में आप रखने वाले हैं, वही तरीके से और वही नोट्स। प्रॉप्स भी जो है वो अपने साथ लेकर जाइए, अगर हो सके तो प्रोजेक्टर का भी इस्तेमाल उस वक्त कीजिए। ये जो चीज है वो हर बार संभव नहीं होती है, रिहर्सल भी और ये करना जो हम स्पीच के दिन करने वाले हैं, लेकिन अगर हो सकता है तो कीजिए, ये आपके बेनिफिट के लिए है। तो ये दूसरी चीज हुई कि अगर हो सके तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज है वो है कि आप अपनी स्पीच की टाइमिंग जो है उसका ख्याल रखिए। जितना टाइम प्रैक्टिस में लगेगा उतना टाइम ही रिहर्सल में लगना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने स्पीच की प्रैक्टिस तो ऑलरेडी कर दी है, अब स्पीच की प्रैक्टिस में फॉर एग्जांपल कि 4.5 मिनट लगते हैं तो आपके रिहर्सल के अंदर भी 4 से 5 मिनट के बीच का ही समय लगेगा। ऑलमोस्ट हर एक केसेस के अंदर यही होता है, लेकिन अगर ये नहीं लगता है तो आपको जो है वो रिहर्सल भी फिर से करना चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस में जितना समय लगा उतना ही समय आपके रिहर्सल में लगे। बहुत बार होता ये है कि रिहर्सल के अंदर जो है वो कम समय लगता है या ज्यादा समय लगता है, और एक्चुअल स्पीच में भी वही होता है। उस कारण से हम समय से जो है वो ज्यादा समय की स्पीच दे देते हैं या फिर कम समय की स्पीच दे देते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपकी स्पीच की टाइमिंग जो है उसको जानने के लिए भी रिहर्सल आपको बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली या हम कह सकते हैं उसके आसपास का समय जो है वो पता चल पाएगा कि कितना समय आपको स्पीच के अंदर लगेगा। दोस्तों, ये जो आप कह सकते हैं तीन टिप्स है या फायदा है, ये आपको अपनी स्पीच के अंदर होगा। इसलिए हमेशा स्पीच की प्रैक्टिस के बाद रिहर्सल कीजिए,
ये मुझे पता है कि हर बार संभव नहीं होता है, लेकिन हो सके तो कीजिए और जितना हो सके उतना कीजिए। साथ में रिहर्सल करने के बाद स्पीच देने के लिए जाइए, आई गारंटी यू फ्रेंड्स कि आपकी स्पीच के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।